بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. आज की इन मुबारक सिलसिले के लिए
शरीर से कुरान के दिन में आप लोग के दिमाग में आते हैं ये चौथे सूक्त है और जो मुबारक को आपके सामने तिलावत किया गया सूरत बकरा का चौथा रुकु आज की चौथी सूक्त में सूरत बकरा का रुकु नंबर 4 और नंबर 5 के मज़ामीन ज़रूरी तशरीहात के साथ पेश करने की सआदत हासिल की जा रही है। चौथा दर्स है जिसमें रुकू नंबर 4 और रुकू नंबर 5 के तफसील मज़ामीन बयान होने जा रहे हैं और अभी आपके सामने जो रुकू पढ़ा गया सूरह बकरा का चौथा रुकू इसकी मुकम्मल तिलावत की गई। हम इसके भी कुछ वजाहत पेश की जाए हम इसके तशरीह गुफ्तगू को पहले तर्जुमा फरमा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जब फरमाया तुम्हारे रब ने फरिश्तों से मुकर्रर करने वाला और ज़मीन में एक नायब कहने लगे कि तू मुकर्रर करता है ज़मीन में तो फसाद बर्पा करेगा उसमें और खून रुनिया करेगा हालांकि हम तेरी तरबी करते हैं तेरे हम के साथ और बाकी बयान करते हैं तेरे लिए फरमा बेशक मैं उन जानता हूँ जो तुम नहीं जानते और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम मशिया के नाम फिर पेश किया और फरिश्तों के सामने फरमाया बताओ मुझे नाम चीज़ों के अगर तुम सच्चे हो अर्ज करने लगे हर एक से पाक भी है कुछ इल्म नहीं हमें मदद जितना तुमने हमें सिखा दिया बेशक तुम्हें इल्म हिकमत वाला फरमाया कि आदम बता दो इन चीज़ों के नाम फिर आदम ने बता दिए फरिश्तों को उनके नाम और अल्लाह ने फरमाया क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि मैं खूब जानता हूँ खूब छुपी हुई चीज़ें और आसमानों और ज़मीन की और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते थे और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को तो सबने सजदा किया सिवाय बीच के उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और हो गया वो कुफार और हमने फरमाया कि आदम रहो तुम तुम्हारी बीवी जन्नत में और दोनों खाओ उससे जितना चाहो जहाँ से चाहो और मत नजदीक मत नजदीक जाना उस तरफ से बदला हो जाएगा इतना तरफ करने वालों में से फिर उसका दिया उन्हें शैतान ने फिर दूसरा दिया उन्हें शैतान ने उस तरफ के भाई उसको निकलवा दिया उन दोनों को वहाँ से जहाँ होते और हमने फरमाया उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे अब तुम्हारा ज़मीन में ठिकाना और पैदा उठाना है उसके मुकर्रर तक फिर चीज़ ये आदम ने अपनी तरफ से फिर कली में गंगा ने उसकी तौबा कबूल की बेशक वही एक बहुत तौबा कबूल करने वाला नहायत करम फरमाने वाला हमने हुक्म दिया उतर जाओ इस जंगल से सबके सब फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत तो जिसने पहले की मुझे हिदायत की उन्हें ना तुम्हें शौक होगा ना उम्मीद होंगे और जब उन्हें कुफर किया और जितारा हमारे आए तो उनको तुम जो दस की मुझे उसमें हमेशा रहेंगे सदा खुदा को मंजूर होंगे। इस रुको में मुसलसल एक वाकया बयान हुआ है आमतौर पर कुरान में जो वाकया बयान होते हैं तसलसल के साथ एक जगह वाकया मुमकिन बयान नहीं होते हैं कम वाक्य हैं कुरान में जितनी एक जगह मुसलसल और सिलसिलावार बयान होते हैं अक्सर बेशतर ये बात देखने में आती है किसी वाकये का कोई पहलू कहीं जिक्र किया जाता है उसी वाक्य वाकये का दूसरा पहलू कहीं दूसरी जगह जिक्र होता है कई बात वाकया की शायद दिए जाते हैं ऐसा बहुत कम बार की कोई वाकया मुसलसल और तफसील के साथ ही मुकाम पर मतलब बयान किया जाए ऐसे वाकयात में से तवील वाकया तो सूरह यूसुफ है इतना तवील वाकया उसने तरतीब के साथ एक मुकाम पर एक तरतीब बयान किया जाता है सूरह यूसुफ के सूरह से ऐसा वाकया तो नहीं हुआ। अब उसके बाद बाद मुकाम पर बाद वाकया बाद मुख्तसर वाकया तसलसल के साथ बयान किया तवील वाकया ऐसे ही वाकयात का तालुक रखता है कुरान पाक का एक ऐसा ही वाकया है तो एक जगह बयान हुआ है अलग बात है कभी वाकई के पहलू कई जगह मुकदर मुकदर बार बार हाईलाइट की जाते रही है आज आप पहली मरतबा वाकया सुन रहे हैं जब हम से पढ़ा रखते हैं उसके बाद भी मगर इन्हें जान लगा इसमें पहले से भी जब हम जाएंगे तो सौ तक भी ये कार्य बराबर इस बात को मिलते रहेंगे आज पहली मरतबा सुन के वाकया बयान हो रहा है यानी कुरानी में भी सुनिए पहली मरतबा वाकई आ रहा है इस वाक्य पढ़ना चाह रहे मतलब की और अहम तरीन नुकार को शामिल करके हुए मुकाम पर बयान फरमाया तजुबे से आपने वाक्य का अंदाजा लगाया होगा और ये मफूम ऐसा है कि उसको ज़्यादा समझा कर बयान करना ज़रूरी नहीं है ज़्यादा वजह का मफूम तकाजा नहीं करता क्योंकि आसान मजाक में छोटा करके समझ सकता है क्योंकि वाक्य यहाँ बयान हो रहा है तो बाहर का अल्लाह को इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब फरमाया तुम्हारे रब से फरिश्ते तुम्हारे रब के फरिश्तों से मैं मुकर्रर करने वाला हूँ ज़मीन में एक नायब अब यहाँ से हज़रत इंसान की पैदाइश का बयान शुरू हो रहा है जैसे कि इससे पहले हम आपके सामने जिक्र कर चुके हैं कुरान की मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले सूरह फातिहा में पूरे कुरान की मजीद का इजमाली बयान फरमाया सूरह बकरा में वो बात
पांच आयत ईमान वालों के बारे में, दो आयत काफिरों के बारे में बयान दो, सात आयत उनके बाद सूरह बकरा की बकिया तेरह आयत नाफ़िक़ों के बारे में, इस तरह 20 आयत हो गई। अब उसके बाद सर अहम बुनियादी मजामिन बयान हुए, इंसान को अल्लाह तआला की इबादत करने की दावत पेश की गई, अल्लाह तआला के हर तरीके से जवाब बयान हुआ, कुरान की इंसानियत का बयान हुआ, जन्नतियों पर जो इनाम होंगे उसका जिक्र, और कुफ्र करने वाले जहन्नम में पहुँचेंगे उस बुरे अंजाम का जिक्र हुआ। फिर कुरान मजीद की फसाद और बनाकर की तरफ से इशारे दिए गए, फिर इंसान को उसके अंजाम पर गौर फिक्र करने की दावत दी गई, फिर जमीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र हुआ। तो इस तरह मिला नौ आयतों पर मुश्तमिल चंद अहम दलील मदान बयान हुई और सूरह बकरा की जुमला 29 आयतें हुई। अब आयत नंबर 30 से एक नहायत अहम मजमून अब शुरू हो रहा है, वो है इंसान की पैदाइश का जिक्र, और कुरान मजीद में इंसान की पैदाइश का जिक्र जिसके अहतमाम के साथ मिलता है, और अल्लाह ताला ने दूसरा रही है देखें इंसान की पैदाइश का जिक्र फरमाया। तमाम आलमीन और तमाम मखलूकात में फरिश्तों में बशमूल किसी मखलूक की पैदाइश के नाम से ऐसा अहम तरीन मजमून हमको नहीं मिलता, ऐसे होता पैदा है किसी मखलूक की पैदाइश का के बयान का जिक्र हमको कुरान मजीद में नहीं मिलता। यहाँ से पता चलता है कि इंसान दस्ते मुदल का शाहकार है, दीगर मखलूकात जो पैदा हुई है वो एक आम मकसद के तहत पैदा हुई है, लेकिन इंसान जो पैदा हुआ है वो आम मकसद के लिए पैदा नहीं हुआ, वो खास मकसद के लिए पैदा हुआ। किसी मखलूक की पैदाइश को इस कदर अहमियत के साथ बयान नहीं किया गया जैसा इंसान की पैदाइश की बात के लिए इंसान की पैदाइश की बातें को बयान किया गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहते हैं प्यारे हबीब मुस्तफ़ा आप याद कीजिए इल्काल रब्बू का जब आपके रब ने कहा था लिल मलाइका फरिश्तों से, अब आवाज बयान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब के साथ हो रहा है। सूफिया फरमाते हैं रब्बू का मतलब है आप, ये सेकेंड पर्सन की सिंगुलर की प्रोनाउन होती है, ये ज़मीर है मुखातब वाहिद की, यानी हमारे मुखातब में कोई बात हमारी सुन रहा है वो सुनने वाला अकेला है जो काम कर रही है। अब यहाँ अल्लाह सुभान व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा मुखातब किया और ये बता रहा है कि हबीब हम तो गुफ्तगू आपसे करते हैं, जिसको सुनना है दरमियान में आकर सुन ले, हमारी गुफ्तगू तो आपसे हो रही है, हम तो आपका चेहरा देखते हैं, हम जो बयान करते हैं आपके लिए बयान करते हैं, हम वाकया को सुना रहे हैं, हम किसी कहो माह को वाकया नहीं सुना रहे हैं, अपने हबीब को वाकया सुना रहे हैं। यही बात है कि कोई उनके खदमों से वाबस्ता हो जाए और उनके तुफैल वो बात को बता के उसको भी नसीब हो जाए, अलग बात है। तो खाल रखू का आपके रखने जब काम ऐसा हुआ खाल रखू तुम ऐ इंसानों सुनो, जब तुम्हारे परवर दिगार ने कहा था फरिश्तों से ऐ लोगों सुनो नहीं ऐ मेरे हबीब मुस्तफ़ा आप सुनिए वाकया को हम आपको सुना रहे हैं, बात मुझे आपसे करनी है। अब जिसको सुनना है आपके दरवाजे तक आए, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ आपकी जबान से, यह अलग बात है कि मेरी बात उस तक भी पहुँच जाए, यह अलग बात है कि उस तक मेरे इल्म के इरफान का नजरिया भी बन जाए, आपसे मैं मुखातिब होकर करता हूँ। मुझे अगर प्यारे मुस्तफ़ा ने आपकी जब आपके रब ने कहा, हालांकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने लेकिन अपने हबीब से मुखातिब होकर फरमाता है आपका रब, तो सूफिया फरमाते हैं कि यहाँ रब्बू का की जो वाहिद मुखातिब की जो जमीन है, फर्स्ट पर्सन क्या बोलना चाहिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर की जो जमीन है, वाहिद वाहिद मुखातिब की जो जमीन है हल्का आ रही है, ये ऐसा रखती है अहले इरफान को उसका इजाज़ हो सकता है। अल्लाह सुभान व तआला ने 1,24,000 पैगंबरों को करोड़ हाँ करोड़ रुपयों खरबों फरिश्तों को हजारों हजार लाखों मखलूकात को पैदा कर दिया, लेकिन जब किताब पढ़ने की बारी आई तो अपने हबीब से मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है मेरे हबीब मुझे किसी और से क्या, मुझे गुफ्तगू आपसे करनी है, हम अपने मुस्तफ़ा से कलाम करते हैं, जिसको सुनना है दरमियान में आकर सुनते जाए। जब तुम्हारे रब ने कहा है मेरे प्यारे मुस्तफ़ा फरिश्तों से जिन मलाया उनका फरिश्तों से कहा, मलाइका मलक की जमा, मलक सिंगुलर और मलाइका उसका प्लूरल जो फरिश्ते, इसका मतलब है फरिश्ते और फरिश्तों को मलाइका क्यों कहते हैं, आज उसकी वजह क्या है, तो ये जिस माध्यम से उसका हुआ है जहरीर वर्ग जो भी लोग होता है उसका रूट पर होता है, उसका रूट पर है अलू का से होता मलक और मलक का प्लूरल हुआ मलाइका, अलू का मतलब होता है मैसेज और पैगाम। तो फरिश्तों के लिए लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अल्लाह की वही पैगंबरों तक नागर पहुँचाने की जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अदा की है वो फरिश्तों को अदा की है, इस वक्त फरिश्तों को मलक वाहिद को मलक जमा को मलाइका कहते हैं, और फरिश्तों के बारे में जो दुनिया की अफ़ाई है उससे तो आम मुसलमान और वाकिफ होते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया, उनकी ना कोई माँ है ना कोई बाप, ना उनके कोई मर्द है ना औरत, ना जिन से ना शादी ना ब्याह ना निकाह ना इज़्ज़ाती ताल्लुक़ात, तो इन तमाम चीज़ों से पाक है, हत्ता कि निकाह से भी खाने पानी से भी पाक है, सोने जागने से सोने से पाक है,
खाना नहीं खाते निजाम से पाक हिसाब से उनको बनाया और अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है दो शक्ल चाहे इख्तियार करें जब तीनों शक्लों में आते हैं तो लोग इन्हें देख सकते हैं और उसकी शक्ल जब बोलते हैं पैगंबरों के सिवा उनको कोई नहीं देख सकता और बस जिंदा काम भी फरमाते हैं तो पैगंबरों के अलावा और अकाबिर औलिया के सिवा आम इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकते जैसे अकाबिर औलिया के फरिश्तों को देख सकते हैं और अंबिया फरिश्तों को देखते हैं लेकिन आम इंसान की नज़रों से ऑब्जर्व होते हैं कोई कैमरा इनकी तस्वीर रिकॉर्ड नहीं कर सकता और कोई शख्स उनकी इमेज को महसूस नहीं कर सकता इल्ला ये को शक्ल बदल कर आए अगर वो शक्ल बदल कर आता है तो इंसान भी देख सकता है कैमरा वगैरह है वो शक्ल बदल कर आए और जब शक्ल बदल कर आते हैं तो फिर देखना होता है उनको मुमकिन होता है अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरिश्तों का जिक्र कर रहा है फरिश्तों के बारे में दुनिया की अगर आपको मालूम होना चाहिए तो फरिश्ते ऐसे मखलूक होते हैं कि जो कभी गुनाह नहीं करते ये उनका खासा वैसे तो कायनात में कोई गुनाह नहीं करता गुनाह करने वाले कोई मखलूक होते हैं इंसान हो गुना लेकिन जब बात निकली है तो बात के बाद में बात करना कि फरिश्ते ऐसे मखलूक हैं जो कभी गुनाह नहीं करते और अकल रखने वाली मखलूक और अकल रखने वाली मखलूक तीन है इंसान के और फरिश्ते और अकल रखने वाली मखलूक में से इंसान और जिन्ना गुनाह करते हैं फरिश्ते गुनाह नहीं होते वो कभी गुनाह और ना फरमान नहीं करते अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में फरमाया ला याफून अल्लाह जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते वो ये फरमान ना माल बरून और इसका को भूल जा करते हैं पूरी करते नाफरमान नहीं करते और हुदूद से तलावत नहीं करते अल्लाह ताला के अहकाम की जो मुखालफत नहीं करते और उनमें कोई काफिर नहीं है ना और उनके अंदर मोमिन और अल्लाह ताला के फरमाबरदार होते हैं और फरिश्तों के बारे में दुनिया दिया सिखाई है कि वो बड़े मुआज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम काबिल तालीम और काबिल इज्जत और काबिल तौफीक होते हैं किसी फरिश्ते की इतना तौहीद करने को अल्लाह ताला ने कुफ्र कहा क्योंकि अल्लाह ताला के मुकर्रम बंदे हैं और वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी शान बड़ी इज्जत अता की है मुअज़्ज़ज़ हैं अल्लाह ताला ने बड़ी शान बयान की है कुरान मजीद में और अगर किसी ने किसी फरिश्ते को नौ बिल्ला के बारे में पूरा गुनाह करा और उसकी गलती की समझा करा या बेइज्जती की या गुस्ताखी कोई महदूद करता है कभी भी किसी फरिश्ते के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कुफ्र और उनकी तादीम का उनके एहतराम का उनके इकराम का शरीयत में इतना एहतमाम किया गया है जिस तरह पैगंबरों के नाम के साथ अली सलाम कहते हैं उस तरह फरिश्तों के नाम के साथ भी अली की सलाम कहने की तालीम दी गई है उनके एहतराम और उनके इकराम उनके मुकाम और उनके मरतबे की बुलंदी का यह हाल है कि जिस तरह कहते हैं आदम अली सलाम मूसा अली सलाम ईसा अली सलाम तरह आदम के साथ कहना बताया जा सका गया कि कहें जिब्रील अली सलाम मीकाईल अली सलाम इस्राफ़ील अली सलाम इब्राहीम अली सलाम यानी जो लखब पैगंबरों के लिए इस्तेमाल होता है उस लखब के साथ उनको याद किया जाता है ये इस बात पर दलील है कि शरीयत में उनका मुतलका एहतराम बताया गया उनका अदब करने की तालीम की और उनकी तालीम करने की तालीम दी गई तो बाहर अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों के बारे में और एक बुनियादी अकीदा ये किस्म ने दिया कि फरिश्ते जमीन में भी रहते हैं और आसमान में भी फरिश्ते दो किस्म के होते हैं एक तो वो हैं जो सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं उसके अलावा वो किसी काम से भी सरोकार नहीं है लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल में कोई इबादत नहीं होती और इबादत भी ऐसी इबादत कि बात फरिश्ते ऐसे हैं कि वो क़ियाम की हालत में तो क़ियाम करते हैं जो रुकू की हालत में तो हमेशा रुकू में ही रहते हैं और जो सजदे की हालत में हमेशा सजदे की हालत में ऐसे भी फरिश्ते हैं कर्कुबिया यानी सिर्फ कर्कुबिया ऐसे फरिश्तों को कहते हैं कि सिवाय अल्लाह ताला की इबादत के और किसी चीज़ से उनका कोई वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है इसके बाद में अल्लाह मरहमत फरमाते हैं कि बल्कि दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना कार के लिए कुछ कम ना थे कटूबे इंसान को दर्द दिल के लिए पैदा किया गया है जिससे कटूबे में मैं हूँ उनका काम एक ही है कि वो इबादत करते हैं एक फरिश्ते तो ऐसे और दूसरे से कम फरिश्तों की वो है कि वो इबादत तो पेशन करते हैं उसके साथ अल्लाह ताला ने कायनात के कुछ उमूर उनके जिम्मे किए उनके हवाले किए उन पर तफवीज़ किए हैं और अपनी सुन्नत अंजाम देते हैं अपनी ड्यूटी बराबर अंजाम देते हैं अपनी सुन्नत बराबर अंजाम देते हैं जैसा कि बचपन से मुसलमान बच्चों को अकीदा सिखाया जाता है बताया जाता है कि जिब्रील अमीन अलैहि सलाम उस फरिश्ते का नाम जो पैगंबरों पर वही लाकर पहुँचाते हैं सैयद मीकाईल अलैहि सलाम उस सलाम वो है जो अल्लाह के हुक्म से बारिश में बरसाते हैं इज़राइल अलैहि सलाम उस सलाम अल्लाह के हुक्म से वो खफ तरीके की खिदमत अंजाम देते हैं इसराफ़ील अलैहि सलाम सूर मौके की खिदमत पर मामूल है जब पहला सूर फूके तो सब खड़ा होंगे जब दूसरा सूर फूके तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे खबर में मिलकर निकल आएंगे और फरिश्ते होंगे वो सवाल उत्तर करेंगे उनके जवाब होते हैं उनकी कामयाब होंगी इंसान की दाहिने 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 बाईं दाहिने फरिश्ते मुकर्रर करामत करते हुए इंसान के लिए वो अलामत लिखते रखते हैं इंसान के तमाम मामलों को रिकॉर्ड में रखते हैं
जन्नत के दारुल का नाम ऊपर है, जहन्नम का दारु नाम मालूम नहीं है। ऐसे मतलब कि मुसलमान अपने बच्चों को बचपन ही से तमाम मजाने से वाकिफ कराते हैं, जिससे पता ही चलता है अल्लाह ताला ने कुरान में भी और खुदू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में भी इस हकीकत को वादे फरमाए कि फरिश्तों के जिम्मे ये काम भी है कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से मुकर्रर करदा खिदमतों को अंजाम देते, हवाएं चलाना, बारिश बरसाना और बाद दीगर रिवायत में पता चलता है कि और भी दीगर जुम्मात के जुम्मे को अंजाम देते। जैसा माँ के पेट में जब बच्चे के हमर में 120 दिन का अर्सा गुजरता है तो उसके आकर भूख होना, उनकी शक्ल सूरत बनाना या उसके अलावा और किया बहुत सारे उमूर हैं तो फरिश्तों में जिम्मे के लिए वो उसको अंजाम देते। बतौर मिसाल के चंद दो चार चीज़ों का अंजाम सामने हो गया, ऐसे हज़ारों काम मिलाते हैं फरिश्ते अंजाम देते। यहाँ तक आया है बल्कि कुरान में जितने सूरत से बाद में उम्र बढ़ती है अगर फरिश्ते उनकी हिफाजत के लिए मालूम ना हो तो बच्चे कहीं गिरा के बना कर जाए तो बाद फरिश्तों को मुकर्रर किया जाता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम सवारी पर कहीं जाते हैं और बच कर निकलते हैं, बोलते हैं कि हम बार बार मिलते हैं, वाइफन बचते नहीं, फरिश्ते दरमियान बात करके मजा लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले दुनिया अगर हम सरकार और सुबह की दस्तगी कहते हैं तो शिरक का मंजूर सामने आता है तो वो किस तरह हाथ पकड़ते हैं, जबकि बचाने वाली बात तो अल्लाह की है। अल्लाह ताला से पूछा कि सूरत रात के मौजूद को याद किया कि फरिश्ते कितने और लोग कामते हैं, हालांकि बचाने वाली बात तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला अगर फरिश्तों के जरिए अपने मखलूक को बताता है तो शिरक नहीं है। याद रखना चाहिए कि बहुत से आदमी के गुलामों को अल्लाह ताला अगर बहुत से आदमी की हाथ से बचाता है तो इसमें भी शिरक की बात नहीं है। बचाने वाली बात तो अल्लाह ताला की बचाए तो फरिश्तों को सिला बनाए, चाहे तो बहुत से आदमी इसके लिए सिला बनाए, बचाने वाली बात अल्लाह ताला की बसपा में बसाई तो बहरा बार अधिकार मिलकर और सरकारों काम को फरिश्ते अंजाम देते हैं। सुबह पहली मरतबा यहाँ फरिश्तों का लफ्ज़ आया तो हमने उसकी मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने पेश कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ख्याल रखिए मेरे मुस्तफा, याद जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं मुखबर करने वाला हूँ जमीन में एक नायक, मैं जमीन में अपना एक नायक बनाने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से क्यों कहा? सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से मशवरा लिया, अगर आप मशवरा दें तो मैं बताऊँ, जब मशवरा ना दूँ फिर काम में रखूँ तैयार। जब बात मशवरा करने की आती है तो मशवरा करना कोई ऐसा नहीं, सुनत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशवरा कर सकते हैं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में जो हुक्म दिया है उसके लिए है मखलूक के लिए, और शादी के बाद मशवरा करने से पाक है। मशवरा करना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इंसानों के लिए इसमें हिदा बेहतरी है, खैर है, क्योंकि हुजूर पाक इस्लाम की सुन्नत है, बेहतर है, बरकात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वाबस्ता होती है। मशवरा करना सुन्नत के काबिल का इजमा जो सब है मगर किसके लिए नहीं है? मखलूक के लिए है। एक से चार दिमाग मिलते हैं तो तीन लोगों को जो बात समझ में नहीं है वो बात चौथे आदमी को समझ आ जाती है, तो मखलूक के लिए अल्लाह ताला की बात मशवरे करने से पाक है। अगर तमाम मखलूक मिलकर जमा होकर भी अगर कोई मशवरा दे तो वो मशवरा नाफिस है और अल्लाह ताला तन्हा को इजाजत दे सिर्फ वही बात काम है, क्योंकि सबको इल्म अक्ल दानाई हिकमत फरजानी तजुर्बा मालूम शऊर इदराक सब अता करने वाली जात पर दिया गया अल्लाह की बात है। तमाम मखलूक के मशवरे को उनके तमाम के तजुर्बे को इल्म को अगर एक जमा जगह जमा कर दिया जाए तो अल्लाह ताला के सामने उसकी कोई हैसियत कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला की किताब मशवरा करने से पाक है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया तो सरमा में कोई मशवरा कम होता है, तो यहाँ क्या मशवरे के तौर पर मशवरा करना अल्लाह की शान होती है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इजाजत मांगी नौजुबिल्लाह अहमद एक कुफर है, अगर बोले कि अल्लाह ताला ने इजाजत चाहिए तो नौजुबिल्लाह अहमद कुफर है, वो तो जिस काम में इजाजत चाहे करना चाहे कहते कोई उसको रोक नहीं सकता, वो तो हाकिम अल इजलाह है, सब उसके बंदे उसके महकूम उसके पैदा किए हुए उसके ममलूक हैं, उसको क्या करना पड़े नौजुबिल्लाह अहमद किसी से इजाजत दे? तो अल्लाह ताला का बिना बतौले इसी के लिए नहीं था बतौले मशवरा के लिए इजाजत, फिर क्यों था? जब ज़रूरत नहीं थी मशवरे की, जब ज़रूरत नहीं थी इजाजत देने की फिर क्यों था? उलमा व अकाम नहीं फरमाते हैं कि मशवरे के लिए इसी के लिए नहीं था, इंसान की शान को बाहर करने के लिए था। यानी अल्लाह ताला बताना चाहता है कि हम इब्राहिम को मीकाईल को पैदा करते थे तो कोई इशान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने खलीफा को पैदा करने वाले होते हैं तो हमारा खलीफा पैदा पाल के होता है फरिश्तों की मजलिस में उसका चलता बंद होता है। खुदा का खलीफा पैदा हो रहा है कि कोई गुना मखलूक नहीं है कि वही पैदा हो जाए, कोई बारिश नहीं है कि वही पलट जाए, कोई घास नहीं है कि वही रुक जाए, इसी मुबारक मखलूक में आदम आने वाले हैं,
इसी मुबारक मखलूक में नूह आने वाले, इसी मुबारक मखलूक में इब्राहिम, मूसा व ईसा आने वाले हैं। हक तो यह है कि यही वो मुबारक मखलूक है जिसमें हमारे हबीब पाक बशरियत का लिबादा होकर इसी इंसान के बैठने के जरिए पर आने वाले हैं। फरिश्तों के सामने ऐलान हो रहा है इंसान की पैदाइश का, क्यों है इंसान की शान को, इंसान की अजमत को दायर करने के लिए, ये बताने के लिए कि रब्बुल आलमीन जब किसी को पैदा करता है तो कोई ऐलान नहीं होता, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता। लेकिन जब हम अपने खलीफा को पैदा करते हैं, इसका खलीफा है, जब हमारा खलीफा है तो कितनी बड़ी शान वाला है। जब हमारा खलीफा पैदा हो रहा है तो यूं ही कैसे पैदा हो जाएगा, जैसे सूरज निकलना होता है, सूरज बाद में निकलता है, रोशनी पहले आकर उसके आने का ऐलान करती है। जब जमीन पर सूरज ऐलान के साथ आता है तो हमारा खलीफा पैदा हो रहा है, उसको बगैर ऐलान के भी हम कैसे पैदा करेंगे। ऐ फरिश्तो सुनो, ऐ इब्राहिम तुम भी सुनो, ऐ मीकाईल तुम भी सुनो, ऐ इस्राफील को इज़राइल सुनो, ऐ मेरे फरिश्तो सुनो, अब मैं बहुत अहम काम करने जा रहा हूँ, मैंने इरादा कर लिया है कि जमीन पर अपने खलीफा को मैं पैदा करूँ। अब बारह तारीख के वक्त आ चुका है कि अब दुल्हा बहुत में तशरीफ लाए, जमीन कभी के बन गई, आसमान कभी के बन गया, दरख्त और शजर नबाता को दुबारा को हवादा हैवाना कि फैजा का सिलसिला कभी के तकबीर को पहुँचाना बहुत आ चुका है कि अल्लाह का खलीफा इंसान पैदा हो जाए। कहते हैं इरशाद फरमाता है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मुकर्रर करने वाला हूँ जमीन में अपना एक नायब, यहाँ जब नायब का लफ्ज़ आ रहा है, खलीफा का लफ्ज़ आ रहा है, तो ये लफ्ज़ सरासर अपने बोल खलीफा कहते हैं इसको है। अरबी जबान में खल्फ के बाद पीछे ही आते हैं, खलीफा उसको कहते हैं पीछे है, जो इसी है पीछे है। अल्लाह तआला की मर्जी है कि एक काम एक इंसान के जरिए अंदर ना पाए, काम चलता रहे, लोग बदलते रहे, अल्लाह तआला की मर्जी। जो काम आदम अलैहि सलाम से हुआ अल्लाह तआला ने चाहा कि वो तआला को वही काम, वो अलैहि सलाम को तआला ने वही काम, इब्राहिम अलैहि सलाम का जो तआला ने वही काम, मूसा अलैहि सलाम का वही काम, ईसा अलैहि सलाम का वो तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही काम अंदर ने। आप चाहे किसी मुकाम पर देखिए, किसी इलाके में देखिए, किसी शोबे हयात में देखिए, किसी डिपार्टमेंट में देखिए और किसी सेक्शन में देखिए, कभी कोई काम किसी एक इंसान के लिए अंदर नहीं पड़ता, उसके लिए अल्लाह तआला की जान से बात है कि अगर एक मौका मिले। सबसे बड़ी शान पहले उन्होंने किया, पहले उन्होंने के लिए अल्लाह तआला ने वक्त रखा, सिवाय हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तन्हा हमारे सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी ज़ाते इकरामी है कि आपके लिए कहीं की कोई लिमिट नहीं है और प्लेस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपसे बाद भी आपके पास कोई नबी आ जाए तो नामुमकिन है कि कोई आए। गुज़िश्ता पैगम्बरों में से अगर किसी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके ज़माने मुबारक को उसके बाद ज़मीन पर भेज दे, जैसा ईसा अलैहि सलाम को भेजने वाला है, उनके लिए भी सिवाय इसके जाने का नहीं कि हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पहले है। ये तन्हा अल्लाह की मखलूक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपका काम आप बना देते हैं, ये आपकी बात है इरामी। और लोग अहले सुन्नत जमात के बारे में कहते हैं कि ये लोग बंदे को खुदा के बराबर करते हैं। कोई मैं यहाँ मुकर आपके सामने कहूँगा खलीफा के लफ्ज़ की बुनियाद पर कि कभी हमारे पास ये तस्वर भी नहीं है कि बंदा खुदा है, खुदा के बराबर है, नौकरी लाइन करें। अगर आप मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह से पूछेंगे कि औलिया अल्लाह के इमाम कौन है तो पूरी तफसील बयान करते हैं। फरमाते हैं पहले हजरत अली को बे मुबारक थी, यहाँ तक कि हजरत अली पैदा हुए थे, आप उस पर फायल गए, यहाँ तक कि जब आपकी दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आया 20 रमजान की उम्र सन 40 हिजरी में, जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए 63 बरस की उम्र में, तो वो औलिया अल्लाह की सियादत का मनसब जो आपके लिए एक लंबी मुद्दत से मुखल था, अल्लाह ताला ने उसमें तब्दीली लाई और हजरत अली के खलीफा इमाम हसन बन गए और हजरत अली की जगह इमाम हसन औलिया अल्लाह के इमाम बन गए। अब फिर कहा अल्लाह के लिए कि कोई दूसरा रमान मान लें, दोनों नहीं करें, हजरत अली की जगह इमाम हसन ले लिए, मतलब उनका पीरियड खत्म हो गया, इमाम हसन का पीरियड शुरू हो गया, तो बंदे के खुदा में तो फर्क हो गया। अल्लाह ताला एक शान दिखा रहा है अपनी दुनिया से, अल्लाह ताला इंसान को उठाता है ये बताने के लिए कि एक ही दार की अजमत अगर दाखिल होती है तो खुदा की होती रहे या खुदा के हबीब मुस्तफा की होती रहे। इसके अलावा देखते लिए अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह में जब अल्लाह ताला ने वो मुकर्रर कर दिया तो दूसरे दुनियादारों की हैसियत क्या, हकीकत क्या है, वो तो विलायत के मरतबे की शान के सामने मक्खी के पर मच्छर के पर के बराबर जैसे थे, लेकिन उनका क्या दिखा है। औलिया अल्लाह के बारे में बात करता हूँ जैसे जैसे सारी रहमतुल्लाह ने बात करता तफसील बयान करते हैं। इमाम हसन का जो मिसाल हुआ फरमाते हैं इमाम हसन इस मंसब पर फाइज हो गए, इमाम हसन के मिसाल के बाद इमाम जैन बाबी, इमाम बाफ, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा का भी, इमाम अली का भी, इमाम तकी, इमाम मकी, इमाम हसन अस्कैन इस मनसब पर फाइज हुए। बाप का मिसाल हुआ बाप की रोहन कुमार की इस मनसब पर कुछ अर्से के लिए मुखर रही, यहाँ तक के जीलान की सरजमीन से वो सूरज शुरू होगा तो बगदाद में जाकर चमका और इसने ऐलान किया अफदत शमूस अफली नाम शमसुना अबदन अला उफ़िर उला ला तगरहू, अगलों के सूरज चमक के डूब जाया करते थे लेकिन हमारा सूरज
हम इंसान को खुदा करते हैं, खलीफा का मतलब ही है पीछे आने वाला। पीछे आने वाले का मतलब ये है वो आता है इतना काम करता है, उसके पीछे भी आता है इतना काम करता है, उसके पीछे भी आता है अपना काम करता है। खुदा जाने ये दुनिया जलवा का है ना दे उसकी हजारों रुपए ये रौनक वही बाकी है महफिल, हजारों रुपए रौनक वही बाकी है महफिल के। अरे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हो गया, उम्मत बना नहीं हुई, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बात को समझ उम्मत फारूक रज़ी अल्लाह तआला की जैसी शख्सियत दुनिया से पर्दा फरमा दी। उस्मान अली ने उस काम को अंजाम दिया, मौलाना कायनात ने उस काम को अंजाम दिया, सिलसिला चल रहा है, काफिला में शम्स अमल ये सिलसिला बराबर चलता रहेगा। तो यह अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान के लिए खलीफा का लफ्ज़ लाया। मैं आपको बताऊँ यह खलीफा का लफ्ज़ शिर्क की जड़ों को काट कर फेंक रहा है। खलीफा असल नहीं होता, खलीफे का मतलब ये है कि किसी की जगह पर काम करने वाला है, तो असल मकसद ये हो या आप यूँ समझ जाइए कि इंसान जो है असल में नहीं किसी का, किसी का इंसान से इसका इंसान से शान तो उसकी है, इसकी क्या शान है किसी और की जगह किसी और के इज्म से किसी और की जगह काम करने वाला असल कैसे हो सकता है। खलीफा का लफ्ज़ बता रहा है कि मुसलमानों में शिर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान पढ़ने वालों में शिर्क का कोई इनका नहीं है, क्योंकि कुरान चाहे बड़े से बड़ी शान रखने वाला इंसान क्यों ना हो उसको खुदा नहीं कहता, खुदा का खलीफा कहता है। असल तो खुदा है और ये इंसान उसका खलीफा है, उसका नायब है। जैसा कि इमाम तौर पर बोलते हैं कि इमाम और सानी इमाम, इमाम के घर में तो तुम्हें सानी इमाम नमाज पढ़ा जाए, इमाम आता है चलता है तो बता चला इमाम हुसैन है सानी इमाम ऑल्टरनेट है मौजूद है उसकी जगह एक उसका नायब है। आप समझ जाइए कि प्रिंसिपल है उसका एक नायब है, आप समझ जाइए कि किसी मकाम पर खाती है उसका नायब है, या किसी मकाम पर आप देखिए नायब का मतलब ये होता है जरूर मतलब वजू है, वजू का नायब तैमूम है, वजू करने के खाबिल आदमी का नाम होता है, वजू करने के खाबिल बन जाए तो तैमूम से काम नहीं चल सकता। तो खलीफा का जो लफ्ज आ रहा है ये लफ्ज बता रहा है कि शिर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अगर गौस से आदम को खुदा का खलीफा कहते हैं तो शिर्क नहीं है, हम मौलाना कायनात अली मुर्तजा को खुदा का खलीफा कहते हैं तो शिर्क नहीं है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का खलीफा कहते हैं तो शिर्क नहीं है। क्यों? इस वास्ते कि वसल नहीं है, असल तो खुदा है उसके खलीफा है, मालूम तो खुदा है कि उसके खलीफा है, और खलीफा का लफ्ज बता रहा है कि इंसान खुदा नहीं है। ये लफ्ज कुरान मजीद में ऐसा आया है क़यामत की सवाल के लिए ईमान वालों के ईमान को संभाल कर रखने के लिए, उनकी तौहीद को संभाल कर रखने के लिए ताकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन में हम अपने खलीफा को अपने नायब को पैदा करने वाले हैं। नायब का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं जिससे अल्लाह ताला की शान दायर हो तो उसको नायब है। दीगर मखलूकात में अल्लाह ताला की शान कामिल तौर पर दायर नहीं हो सकी, नायब नहीं बन सके। इंसान के जरिए अल्लाह ताला की शान कामिल तौर पर दायर हो, अल्लाह ताला का नायब है। अल्लाह ताला की सिफतों में सात सिफतें ऐसी हैं जो कि मुहावरे से बात करती हैं, यानी बड़ी सिफतें हैं जिसके भी अल्लाह ताला की नहीं पाई जाती। सात सिफतें सिफातें लाजमा सिफत कदीमा होती सिफात लाजमा वो क्या है? तो इल्म है, हयात है, कुदरत है, समाप्त फसल का लाभ लाना। सात सिफतें इल्म यानी जानना, हयात यानी जिंदा रहना, इल्म हयात कुदरत यानी कर सकना, समा का मतलब सुनना, फसल का मतलब देखना, कलाम का मतलब उसके बाद दूसरों को पहुँचाना होगा, इरादे का मतलब किसी काम के लिए मनसूबा बनाना, किसी काम के करने या ना करने का पहले से मनसूबा बनाना, उसके मुताबिक उस काम को अंजाम देना। ये सात सिफतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं जो बड़ी अहमियत रखती है, और इन सात सिफतों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सिर्फ इंसान के लिए जमा करवाया, इंसान के अलावा किसी में जमा नहीं करवाया, क्योंकि बतौर खास इरादे की ऐसी सिफत है जो इंसान में है। मिसाल के तौर पर फरिश्ते अगर नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ उनका इरादा कामिल तौर पर दायर नहीं होता, क्योंकि उनको गुनाह करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसका इरादा कामिल तौर पर दायर होता है, उसकी मर्जी है चाहे तो नमाज छोड़ दे चाहे तो नमाज पढ़े। जब मौजूद भैया फला कहे उसके हाथ भी है चाहे तो नमाज छोड़ दे चाहे तो मस्जिद में आकर पढ़े, वो घर में बैठने के बजाय मस्जिद को आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अपने इरादे को कामिल ला रहा है, और यही भैया फला की सदा तक उसका मस्जिद में पहुँचना इस बात को दायर कर रहा है, ये खुदा का तरीका है। इरादे की सिफत को अल्लाह ताला ने इंसान में रखा और सातों सिफतों को इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पोशीदा कर दिया। यही वजह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के जरिए अपनी शान अल्लाह ताला जाहिर फरमाई, तो इरशाद होता है कि फरमा तुम्हारे रब के फरिश्तों से मैं मुकर्रर करने वाला हूं जमीन में हिदायत,
कहने लगे कि तू दखल करता है जमीन में, उसको तो फसाद कर पलपा करेगा और उसमें फुलझड़ियां करेगा, हालांकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम उनके साथ तेरी पाकी बयान करते हैं। तो फरमा बेशक मैं वो जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों को कैसे मालूम होगा कि इंसान जमीन पर जाकर कितना फसाद फैलाएगा और फुलझड़ियां करेगा। दो सिफत इंसान की फरिश्तों ने जिक्र की, एक फसाद फैलाएगा, नंबर एक फसाद फैलाने मतलब ना तो खामोश बैठने और दूसरों को सुकून से रहने देना, एक बात तो ये। और दूसरी बात यह कि खूनदेही करेगा, खत्म करेगा, जान लेगा दूसरों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्तों को कैसे पता चल गया कि इंसान फसाद पैदा करने वाला हो, खूनदेही करने वाले फरिश्तों को कैसे पता चल गया? तो उलमा फरमाते हैं कि जमीन पर तो मखलूक पैदा होती है, किसी ना किसी हद तक ये बात पाई जाती है। और बतौर खास उन्होंने जिन्नात में ये बात देखी थी कि वो ऐसा ही किया करते थे, तो उससे उन्होंने खिलाफ किया और खिलाफ के जरिए उन्होंने इस दावा बनाया कि जिसका जमीन पर फरिश्ते जिन्नात ने फसाद पनपा किया, खूनदेहियाँ की। अब जमीन पर जब खलीफा पनपा तो शायद ये कि मखलूक भी ऐसी ही होगी, ये भी वही का मंजर थी। तो उन्होंने ऐसा किया, जमीन में फसाद पनपा करने वाले खूनदेही करने वाले मखलूक को क्यों पैदा करेगा? तो इंसान की खराबी में दो खराबियाँ निहायत बुरी खराबियाँ हैं, एक फसाद पनपा करना और एक खतल करना। खतल के बारे में बताया गया कि क़ियामत के दिन मामला में जो सबसे पहला हिसाब किया जाएगा, पहला जो सवाल किया जाएगा वो खून नमाज के बदले में किया जाएगा। इबादत के मामले में पहला सवाल नमाज का होगा, मामला के मामले में पहला सवाल खतल नाहक का, खून नाहक का होगा। और खून नाहक का यहाँ पर जिक्र होगा, दूसरी चीज़ जिसका यहाँ पर जिक्र होगा वो फसाद फैलाना। फसाद का मतलब ऐसा काम करना जिससे अमन दरहम बरहम हो जाए, ऐसा काम करना जिससे अमन का खात्मा, उसको फसाद कहते हैं। गुनाह कहता है जितना तू अशद्द मिन अल-क़त्ल, क़त्ल करना बड़ा गुनाह है, जितना बड़ा गुनाह उससे बड़ा गुनाह है। और यहाँ पर आप देखिए कि फरिश्तों ने क़त्ल का जिक्र बाद में किया, कितना बड़ा जिक्र जो पहले किया, वही मुझसे जो फी हा पहले है वही अच्छी बुद्धिमा बाद में। तो इन दो इन दो सिफतों का फरिश्तों ने जिक्र किया कि परवर दिया कि तो मखलूक ऐसी होगी जो फसाद फैलाएगी, जो मखलूक ऐसी होगी जो खूनदेही करेगी। फसाद का जिक्र पहले और क़त्ल का जिक्र बाद में किया, तो इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाने से क्या जवाब मिला और समाप्त करने उन्होंने कहा परवर दिया ये मखलूक तो फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी, रहा मामला तेरी बात करने का, तेरी तस्बीह बयान करने का, तेरी पाकी बयान करने का। उस काम के लिए तो हम मौजूद हैं, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हम करते हैं, तेरी हम करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करने के लिए पहले से मौजूद है। तो फिर ऐसी मखलूक को तो पहले पैदा क्यों कर रहा है जो फसाद फैलाएगा और खून नहीं करेगा? अल्लाह तआला ने उसके जवाब में फरमाया इसमें खिताब है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बनी इसराइल को खातिब करके इशारा फरमा रहे हैं, अरे आपको क्यों ला मैंने तुम पर इनामत किए हैं, इनामत किए तब तुम्हें नबूवत रखी, बादशाह रखी, इल्म अता किया तुमको, जो मुस्लिमों को उन्होंने पहुँची थी, फिर उनके दोनों सितम से तुमको नजात रखी, गुनाह सुनाए इनामत में होते थे कि तुम पर मेरी इनामत होते रहे। बंदा सलमा मैंने तुम पर उतारा, पैगंबरों को तुम्हें भेजता रहा, तुम्हारी तारीफ करता रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी होती लेकिन तारीफ जाकर बादशाह से तुमको बचाया, वक्त असर बादशाह ने तुम्हारी ईद से ही बचा दी थी, उसके बावजूद मैंने तुमको जमीन पर बाकी महफूज जिंदा रखा। सब इनामत की तरफ इशारा करके फरमाता है कि अरे आपू की औलाद मेरी नियमतों को याद रखो, जो अहद तुमने मुझसे किया है उस पर कायम रहो, मैं अपने वादे पर कायम रहूँगा, उसके लिए तुमको जन्नत में दाखिल करवाऊँ। क्या है आज वाला आयत नंबर 10 में उसके बाद इशारा होता है कि अरे याकूब की औलाद, वो किताब तौर है तुम्हारे पास है, ये कुरान तो उस किताब की तस्दीक कर रहा है, एक चराग की दो रोशनियाँ हैं, तुम कहीं सबसे पहले इसकी उनके नाम पर बैठो, ये कोई कुरान तुम्हारे नजदीक शाम प्यार करता है, तुम्हारी किताब की तस्दीक करता है, तो तुम इस पर ईमान लाओ, तुमको ईमान लाने की दावत दी जा रही है। और हकीर दुनिया के लिए कहीं तुम किस कुरान के मुमकिन नाम पर बैठो और मेरे नबी की अदब और शान की बात करने तौर में नाजिल किए, उनको छुपाओ और हक बात के साथ मत पहनाओ। उस पर चंद अहम तरीन बातों का जिक्र है, नमाज अदा करने और जकात अदा करने और बार बार नमाज अदा करने का, फिर यहूद और नसारा की नमाज को फजल किया जा रहा है, तुम लोगों को हुक्म दे करो तौरात पर अमल करने का, तुम भी तौरात पर अमल पैदा हो जाओ, तौरात में मेरे नबी की अजमत की शान की बात है, बात को दुनिया के फायदों के लिए तौरात के अहकाम को मत बदलो। एक मरतबा फिर नमाज और सब्र से मदद का रखने का हुक्म दिया गया, उसके बाद बताया गया कि नमाज पढ़ना भारी है उन लोगों पर जिनमें खुशों को तो नहीं है, फिक्र आ जाती है, और जिनमें फिक्र आ जाती है जिनको यकीन है कि उन्हें परवर दिया समझने वाले हैं, उनकी उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं, उनके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर नमाज पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, नमाज की किताब क्या करना उसका तरीका बताया जा रहा है, फिक्र आखिरत पैदा करना, ये ख्याल अहम रखना कि अब ये जो घड़ी आठ बीस के बीस मिनट हमको बता रही है, शायद नौ बीस के बीस मिनट पर मैं दुनिया में हम देख जा रहे हैं, तो फिक्र आखिरत अगर पैदा हो जाए तो फिर नमाज की अदायगी में कोई दिक्कत नहीं आती, दिन लगाकर आदमी नमाज पढ़ने के काबिल बनता है।
तो रुकू नंबर चार रुकू नंबर पाँच के नए मुलामी के साथ नए मुलामी के खुदा से उसके वजाहती बयान पर मुश्तमिल नुकात के साथ हमारे अल्लाह से इख्तिताम पहुँचता है। हम अल्लाह ताला के बारे में दुआ है कि परवर दिया है आप लोगों को कुरान मजीद के उलूम की बरकतों से दुनिया में आखिरत में फैलिया फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम व बारिक अला हबीबिका व खैर खल्क़िका व नूर अर्शिका नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात के नाम के लिए इंशाअल्लाह